नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बार बार नीतीश कुमार के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं, हालांकि जदयू के नेता उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का अभी फोकस नीतीश कुमार को देश स्तरीय नेता बनाना और प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा करना है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि भाजपा जानती है कि अगर विपक्षी दलों की तरफ से जितने उम्मीदवार होंगे भाजपा को उतना फायदा होगा। लेकिन पिछले दिनों जगदानंद सिंह ने एक बयान देकर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है। खबरों की माने तो नीतीश की कुर्बानी लेकर ही जगदानंद सिंह मानेंगे। दरअसल जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द सीधा सीधा ये था कि बड़े कुर्सी के लिए, बड़ा गोल के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। तो नीतीश को सीएम की कुर्सी कुर्बान करनी पड़ेगी तेजस्वी के लिए, और तभी नीतीश बड़े फैसले ले पाएंगे, बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ने की। जगदानंद सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव का राजनीति जो है, या राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, तो ऐसे में किसी पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। आने वाले समय में बिहार की राजनीति काफी महत्वपूर्ण समय से गुजरने वाली है, और अभी जो वास्तविक परिस्थिति है बिहार में, उसमें नीतीश कुमार को तेजस्वी को तो कमान सौंपनी ही चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार जब तक तेजस्वी को कमान नहीं सौंपेंगे तब तक आने वाले दिनों में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक तरफ जहां बिहार में चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रही है, अलग अलग मुद्दों को लेकर नीतीश को घेरने का प्रयास कर रही है, वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ महागठबंधन खेमे में भी नीतीश को लेकर मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में जगदानंद सिंह का बयान और वीपी सिंह के जैसे नीतीश कुमार एक तीसरा मोर्चा बनाकर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा और देशाटन पर जाना होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में घूमना होगा, उसके बाद ही ये संभव है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान अब आने वाले दिनों में कितना प्रासंगिक होता है, नीतीश क्या फैसला लेते हैं, और कैसे जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया है उसको डिफेंड करती है जनता दल यूनाइटेड, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।